हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लोकसभा एंड राज्यसभा से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा चुनाव की किस पद्धति से कराया जाता है? आंसर है प्रत्यक्ष मतदान। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी होती है? 552। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 542। इसमें से दो सदस्यों को एंग्लो इंडियन के तहत चुना जाता है जो राष्ट्रपति चुनता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आंसर होगा राज्यों की संख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर किया जाता है? 1971 की जनगणना के आधार पर। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हर एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एंड ऑल। लोकसभा की सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है? आंसर है 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें लोकसभा के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 84। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आंसर है 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी लोकसभा का कौन होता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जो होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद अगर खाली हो तब इस स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो प्रोटेम स्पीकर होगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति, नोट कर लीजिएगा इसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, कौन स्थगित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता के संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आंसर होगा 2 माह। यदि 2 महीने तक लोकसभा का सदस्य संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? आंसर होगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रदान करता है या सौंपता है, जो भी हो। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? आंसर है लोकसभा द्वारा। बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है।
चलिए देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आंसर है लोकसभा, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? आंसर है वित्त विधेयक या धन विधेयक को लोकसभा में ही पारित किया जाता है। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? आंसर होगा एक वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके दो बार बढ़ाया गया? 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया। भूतपूर्व संसद सदस्य को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश से ही हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर होगा गोवा। आगे देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब कराया गया? तो 1951 से 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव कराया गया था।